हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर। 7 अप्रैल की क्या है लेटेस्ट न्यूज़ एजुकेशनल फील्ड में? बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि जो उच्च शिक्षण मंत्री है उन्होंने ये अनाउंस किया, वो अनाउंस किया, लॉकडाउन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, आगे क्या होगा, 11th की एग्ज़ाम्स क्या होगी, 9th का एग्ज़ाम्स क्या होगा, 10th का क्या होगा। तो ये थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा आज 7 अप्रैल तक की जो लेटेस्ट न्यूज़ है एजुकेशनल फील्ड से और क्या चल रहा है देश में उससे रिलेटेड, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले आपके सामने बता दूं, जो आप लोगों के कमेंट्स मुझे आ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स विल बी हेल्ड नन कैंसल्ड मिनिस्टर सेड, तो ये क्या है? तो सबसे पहले जान लो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स मतलब क्या और आपका जो हायर एजुकेशन या लोअर एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन मतलब क्या। 10वीं की जो एग्ज़ाम्स होती है वो सेकेंडरी एग्ज़ाम होती है और 11th 12th मतलब हायर सेकेंडरी होता है। और उच्च शिक्षण का मतलब है कि जो सीनियर कॉलेजेस है 12वीं के बाद जितने भी डिग्री कॉलेजेस होते हैं उनकी जो एग्ज़ाम्स होती है उसे उच्च शिक्षण बोलते हैं या हायर एजुकेशन बोलते हैं। यूनिवर्सिटी जो है वो बोर्ड से रिलेटेड नहीं है, 12वीं के बाद जितनी भी डिग्रीज होती है वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। जैसा मैंने मेरे पिछले यूनिवर्सिटी वाले वीडियो में बताया था अपडेट में कि यूनिवर्सिटी की कोई भी एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगी, सारी की सारी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगी, वैसा ही आज जो आप लोगों ने मुझे बोला कि न्यूज़ में आ रहा है उसका मीनिंग यही है। जो हमारे टेक्निकल हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर उदय सामंत जी हैं, ओके, जो उच्च शिक्षण मंत्री हैं उदय सामंत जी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि महाराष्ट्र में जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनकी एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगी बट पोस्टपोन्ड होगी। और यही अपडेट मैंने मेरे यूनिवर्सिटी वाले वीडियो में भी दिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई वाले वीडियो में। तो आप ये याद रखो, अगर आप 12th के बाद किसी डिग्री में हो, FY, SY, TY या आईडोल से हो या किसी रेगुलर कॉलेज से, MA, MCOM, MSc या BSc, IT, BBA कोई भी डिग्री कर रहे हो तो आपकी एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगी, आपको एग्ज़ाम्स देनी ही है, आपकी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर 9th 10th 11th 12th की न्यूज़ नहीं है, ये 9th 10th 11th 12th वालों के लिए नहीं है यूनिवर्सिटी का जो भी अनाउंसमेंट है और उच्च शिक्षण मंत्री का, ये सिर्फ 12th के बाद वालों के लिए लागू होगा ये न्यूज़ जो है। इसके बाद देखते और क्या क्या माहौल चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे महाराष्ट्र टैली गोज अप टू 868, पिछले 2 दिनों में भारी संख्या में वृद्धि हुई है, बढ़ गए हैं कोरोना के पेशेंट और मुंबई के अंदर 500 से ज़्यादा कोरोना के पेशेंट हो गए हैं, जो पिछले 2 से 3 दिनों में काफ़ी बड़ा नंबर है, ग्राफ काफ़ी ऊपर गया है। 2-3 दिन पहले तक ऐसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा 14 अप्रैल तक, लेकिन अब 2-3 दिन में ऐसा नहीं लग रहा है, उल्टा जो ग्राफ है सीधा पीक पे जा रहा है। बहुत सारे इलाकों को सील कर दिया गया है मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र के। अब आप जानना चाहेंगे कि कहाँ पर कितने पेशेंट पाए गए, तो ये पूरे जो है टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर जो है वहाँ से ये इमेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, उन्होंने ये ग्राफ बनाया है। हमारे पूरे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा जो है मुंबई के अंदर आप देख सकते हैं 526 पेशेंट पाए गए, जिसमें से 34 की डेथ हो गई है मुंबई के अंदर। बहुत ही भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है मुंबई शहर। इसके साथ ही पूरे 868 केसेस आए हुए हैं पूरे महाराष्ट्र से, 868, जिसमें 526 सिर्फ मुंबई से हैं। टोटल 52 डेथ्स हुए हैं पूरे महाराष्ट्र में और 34 तो सिर्फ मुंबई से ही हैं। बाकी ज़िलों में आप देख सकते हो, नासिक में 2 हैं, जलगांव में 2 हैं, बुलढाणा, जालना, अमरावती, हर जगह एक एक है, गोंदिया वासी में, यानी बाकी जगह इतना तकलीफ नहीं है। पुणे में सबसे ज़्यादा है, सेकेंड नंबर पर 141। तो इस तरह से ये कोरोना जिसकी वजह से सब कुछ एजुकेशन सिस्टम डाउन हुआ है उसका माहौल देख के ही जो है डिसीजन आने वाला एजुकेशन के अंदर क्या होगा, एग्जाम्स होगी नहीं होगी, कैंसिल होगी पोस्टपोन्ड होगी। तो अभी आप देख रहे हैं माहौल बहुत गड़बड़ होते जा रहा है। 868 केसेस सिर्फ महाराष्ट्र से हैं, 4000 के ऊपर केसेस पहुंच गए पूरे इंडिया के और मुंबई के अंदर ही इतने केसेस हैं। और भी देख लेते हैं आगे, जो टोटल कोरोना वायरस के केसेस हैं 868 यहाँ देख रहे हो, ग्राफ वाइज देख लो ग्राफ किस तरह से बढ़ रहा है। मार्च 9 से लेके ग्राफ सही था, जब से लॉकडाउन हुआ है 22 मार्च से 10-23 इस तरह से ग्राफ थोड़ा सा रुका हुआ था पहले हफ्ते 30 मार्च तक 31 तक, और 31 मार्च के बाद जो आप जानते हैं निजामुद्दीन के पास मरकज वाला केस हुआ, उसके बाद पेशेंट की संख्या बढ़ते जा रही है, 100 हो गई, 15, 88 और अब जो है सीधे बढ़ते ही जा रहे हैं। ये कल सुबह तक की रिपोर्ट है, 10 बजे तक की, अभी ये रिपोर्ट आप ग्राफ से देख रहे हैं, ग्राफ जो है पीक पे जा रहा है। और अगर लॉकडाउन बंद कर दिया गया यानी सब कुछ ओपन कर दिया गया 14 अप्रैल के बाद, तो ये जो है और ग्राफ तेज़ी से बढ़ेगा, भीड़ ज़्यादा एक साथ होने की संभावना है। चिंताजनक, मुंबई मागिल 24 तासांत 103 नवे कोरोना रुग्ण, ये जो है 6 अप्रैल की न्यूज़ है, यानी कल की न्यूज़ थी, ओके, यानी परसों 5 अप्रैल तक का डेटा न्यूज़ में आया था और अभी जो है इससे भी ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। अभी जो हैदराबाद में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव,
उन्होंने क्या किया है, उन्होंने डिमांड की है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कि जो नेशनल लॉकडाउन है, पूरे देश भर का लॉकडाउन है, उसको 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया जाए। ऐसा उन्होंने बोला है, किसको, नरेंद्र मोदी जी को रिक्वेस्ट किया है, लेटर भेजा है। ठीक है, तो अभी जब कोई एक तेलंगाना स्टेट का चीफ मिनिस्टर अगर रिक्वेस्ट कर रहा है, और ऐसी बहुत सारी रिक्वेस्ट अगर एक्सपर्ट के जरिए आएगी प्राइम मिनिस्टर के पास, तो वो लॉकडाउन को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो प्रिंसिपल वांट न्यू डिग्री कॉलेजेस टू रीओपन ओनली इन अक्टूबर, यानी जो जून जुलाई में सेशन स्टार्ट होता था डिग्री कॉलेजेस का, वहाँ कॉलेज के प्रिंसिपल जाते हैं, अब वो अक्टूबर में स्टार्ट हो, यानी जून जुलाई में जैसे कॉलेजेस डिग्री के हैं, 12वीं के बाद के, वो ऐसा चाहते हैं, क्योंकि उनकी एग्ज़ाम्स जो अप्रैल में, मार्च अप्रैल तक लेक्चर होते थे, वो सब पेंडिंग है, सिलेबस कवर करना, तो वो चाहते हैं कि उनके प्रोफेसर जो है जून जुलाई में लेक्चर्स लें, फिर एग्ज़ाम्स हो, उसके बाद अक्टूबर से नया सेशन स्टार्ट हो। अभी आगे जो एक है, जो टोपे जो हमारे मंत्री हैं पूरे देश के, उन्होंने जो अनाउंस किया था कि लॉकडाउन किसी भी हालत में हम नहीं बढ़ाएंगे, तो उनका क्या स्टेटमेंट आया है? देखो, जो पिछले बार आप लोग कमेंट कर रहे थे कि जो मंत्री जी ने अनाउंस कर दिया है कि जो लॉकडाउन है वो नहीं बढ़ाएंगे, जो कौन है वो, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे, हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे जी ने कहा था 14 तारीख के बाद हम लॉकडाउन नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन उनका ही टाइम्स ऑफ इंडिया में आज उनकी रिपोर्ट छपी है, उनका जो स्टेटमेंट है, डोंट एक्सपेक्ट लॉकडाउन टू टोटली एंड आफ्टर 15 अप्रैल, यानी कि आप लोग ये ना सोचे कि 15 अप्रैल के बाद पूरी तरह से लॉकडाउन जो है ख़त्म हो जाएगा, पूरी तरह से नहीं ख़त्म होगा। जहाँ जहाँ पे कोरोना के ज़्यादा पेशेंट पाए गए हैं, जिस इलाके को सील किया गया है, वो सब लॉकडाउन के अंतर्गत ही रहेगा। जहाँ पे कोरोना के पेशेंट नहीं हैं, बहुत ही कम पेशेंट है, वहाँ पर कुछ राहत दी जा सकती है, ऑल पेशेंट्स में गो टू 4 हॉस्पिटल, इस तरह से इनका न्यूज़ है। तो अभी आपने देखा, ये जो मैंने पूरा बताया कि माहौल क्या है कोरोना का, पिछले 2-3 दिन में कोरोना के पेशेंट बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ग्राफ जो है काफ़ी ऊंचाई पे जा रहा है, और इतना ही नहीं, हमारे महाराष्ट्र राज्य के जो मुख्यमंत्री है, उनका मुंबई में जो आवास है बैंड्रा के अंदर कलानगर में मातोश्री, उसके पास में ही एक चाय की टपरी थी, जिसमें जो चाय वाला था वो पिछले 4-5 दिन से बीमार था, और उसमें उसको जब चेक किया गया तो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, और वो जो पेशेंट है उसके यहाँ पर चाय पीने के लिए जो मातोश्री है, मुख्यमंत्री निवास के जो नौकर चाकर लोग हैं वहाँ रहने वाले, वो चाय पीने भी आते थे। तो हो तो देश की स्थिति बहुत ही ख़राब है, हमारे मुख्यमंत्री तक इससे नहीं बच पा रहे हैं, वहाँ तक पूरा उनका इलाका सील कर दिया गया है। तो इसीलिए जो लॉकडाउन है इतना आसान नहीं है ख़त्म करना, सब कुछ ओपन करना, और जो स्कूल एग्ज़ाम की कॉलेजेस है वो और पोस्टपोन्ड हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि 15 अप्रैल के बाद ही होगी। अगर लॉकडाउन ख़त्म होता 15 अप्रैल तो तुरंत एग्ज़ाम्स नहीं होगी, अप्रैल के एंड में 23-24 अप्रैल के बाद होगी, और 7-8 दिन पहले डेट बताया जाएगा। लेकिन अभी जो बहुत ही मुश्किल है लॉकडाउन ख़त्म करना, तो ये आज तक की लेटेस्ट न्यूज़ थी एजुकेशन से रिलेटेड, क्या हो सकता है एजुकेशन में। 9th, 10th, 11th वालों ध्यान से सुनो, 10th वालों की जो बोर्ड एग्ज़ाम जो है अप्रैल एंड में होना ऐसा है, लेकिन उसके कुछ चांसेस है कैंसिल होने के, लेकिन बोर्ड पूरी कोशिश कर रहा है कि वो सिर्फ एक एग्ज़ाम है ज्योग्राफी की, वो कंडक्ट करना चाहता है महाराष्ट्र बोर्ड और महाराष्ट्र राज्य और महाराष्ट्र शिक्षा मंत्री। 9th और 11th के एग्ज़ाम का कोई टेंशन नहीं है एजुकेशन डिपार्टमेंट को, क्योंकि उनको वो प्रमोट करना ही है। हाँ, किसी का इंटरनल असेसमेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम था तो उनकी जून में री एग्ज़ाम लेके उनको पास किया जाएगा, या जून में उसका जो परफॉर्मेंस होगा उसके हिसाब से किया जाएगा। तो 9th 11th की एग्ज़ाम्स काफ़ी आगे चली जाएंगी, या पोस्टपोन्ड होगी या कैंसिल हो जाएगी, तो आप लोग उस टेंशन में मत बैठो, नहीं तो लॉकडाउन बढ़ते जाएगा और आपका ये जो टाइम है पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो आप लोग अगले क्लास की स्टडी चालू कर दो। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की एजुकेशनल न्यूज़, मिलते हैं नए वीडियो में। लेकिन एक और बात बता दूं कि कल मैंने एक वीडियो डाला था कि न्यू सिलेबस की जो 12th वालों के लिए PDF है वो जल्दी ही ई बाल भारती वेबसाइट पर आ जाएगी, मैं आपको अपडेट दूंगा। मिलते दोस्तों नए वीडियो में।